श्रीवात साध के श्रेत्रंब के गोरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुण में नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते मे विश्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। परीक्षितवाच कामार्ते से मुनिर्गत्वा ऋषुप्तो निजाश्रमे पिता प्रपच्य दीनं तं किं रुरुविमनायसि। सितमाहति कामार्ते स्थूलकेशस्य आश्रमे कन्या प्रंदरानाम स्वामी भार्या भवेदिति। सिगत्वा प्रमतिस्तूर्णं स्थूलकेशं महामुनिं ब्रह्महि सम्मुखं कृत्वा परीक्षित बोले हे सचिव इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें देखकर पूछा कि रुरु तुम इतने उदास क्यों हो। कामात्मक रुरु ने अपने पिता से कहा मैं ऋषि सूर्यकेश के आश्रम में प्रमदारा नाम की एक कन्या है और जब से मैंने उसे देखा है मैं उस पर मोहित हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि वो मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमति ने महामुनि सूर्यकेश के पास जाकर शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न किया तथा उन्हें अपने अनुकूल करके उनसे सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि मैं किसी अच्छे मुहूर्त में कन्या दान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वो कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी तो तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया और जैसे ही उसके पांव का स्पर्श उस सर्प से हुआ तो सर्प ने झट से उसको डस लिया और डसते ही इतना भयंकर विष था उस सर्प का कि वो कन्या मर गई। तो मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमदारा को देखकर वहां शोर मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से दीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश बहुत दुखी होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण नंदन को सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी हुई सुंदरी को सजीव जैसा देखा। उन्हें वो मृत लगी कि नहीं स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर होकर विराम होकर रोने लगे। वे कहने लगे
हो प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ये अत्यंत विचित्र सर्प को भेजा था। ये निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। न जीवितम् इच्छुमामि विभुक्ते प्रियानया न लिंगिता वजारोहा निमयाचुम्बिता मुखे निपाणी गृहिणीं प्राप्तं मंदभागेन सजीवता लाया हो मैं तथा जगनो न कृते त्वन्यास है। मेरी प्राण प्रिया तो मर गई, अब मैं अपनी प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने इस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई संसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूं कि उसका पाणि ग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएं तो अच्छा है। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। अब या तो मैं कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष को खा लूं, या गले में फांसी लगा करके प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करते रुरु अपने मन में विचार करके उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे कि प्राण त्यागने से क्या लाभ होगा। आत्म हत्या का फल तो अत्यंत दुनिवीर्य है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे। दुखे पिता में जननी के अति दुखिता देव तुष्टो भवेत् कामम् दृष्ट्वा मां त्यक्त जीवितम्। मेरी मृत्यु की बात सुनकर पिताजी दुखी होंगे। माताजी को भी महान कष्ट हो सकता। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा। इस प्रकार विरह में संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझे आत्मघाती को मेरी वो प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और नए मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा विचार करके वो रुरु स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। उसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा कि यदि मेरे द्वारा देवाराधना आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, गुरुवे पूजिता भक्त्या उत्तम जप्तम तपे कृतम अधीतात अखिला वेदा गायत्री संस्कृता यदि लविराधिते तीन संजीव तू मम प्रिया यदि जीवन में कांता तजी प्राणानहम तते। यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक
गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप और तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जो है वो जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा, ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान कर करके उन्होंने वह जल जो है भूमि पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदनंतर उस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु ने उनके पास एक देवदूत आकर ये वाक्य बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए, आपकी मरी हुई प्रीतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी, ये सृष्टि का नहीं नियम नहीं। गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, इससे वह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वर्ण कर लीजिए। हे हरि, आप रो क्यों रहे, इसके साथ आपका कैसा प्रेम है। बोले, हे देव, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्ण नहीं करूंगा, यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा कहने लगे, उन मुनि का यह हट हट करके देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्य पूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुने हैं, आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपने प्रम द्वारा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। आयुष प्रदान जीव आशु प्रंदरा आयुषवर्धम प्रयच्छामि कन्यायनात्र संशय। जब उस देवदूत ने कहा कि आप अपने आयु का आधा भाग दे करके इसको जीवित कर सकते हैं, तो रुरु कहने लगा, निस्संदेह मैं अपने आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूं, अब मेरी इस प्रियतमा के पान वापस आ जाए और यह उठकर बैठ जाए, उसी समय विश्वसु अपनी पुत्री प्रम द्वारा की मृत्यु जानकर स्वर्ग लोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। उसके बाद गंधर्वराज विश्वावसु तथा शेष दूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस प्रमदारा नामक कन्या के सर्प दंश से मृत्यु हो चुकी, हे सूर्य तनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनु रुरु की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कोमलांगी उन्हें जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसके आधी आयु से विश्वसु की है कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रुरु को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रम द्वारा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रुरु ने किसी शुभ दिन उसके साथ विवाह पूरे विधि विधान से कर लिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रम द्वारा को भी जीवित कर लिया था। अतः इसम चैक उपाय योगीन मृताप्यु जीविता तदा उपाय अस्तु प्रकर्तव्य सर्वथा शास्त्र सम्मते। मणिमंत्रोषधीभिश्च विधिवत प्राण रक्षिणे इत्युक्त्वा सचिवन राजा
कल्पिता सुरक्षिता मणि मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य ही किया जाना है। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक सात तल वाला उत्तम राजभवन बनाकर उसी क्षण उत्तराखंड परीक्षित अपने अनेक मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। श्रीमद् भागवत अनित कल्प की कथा है, वो सारस्वत कल्प की कथा है, ये पद्म कल्प की कथा। हर कल्प में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, भेद आ जाता है। उस कल्प में परीक्षित को जैसे ही शाप लगा, वो विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और सुखदेव जी का आह्वान करके उन्होंने सात दिन के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और इस कल्प का परीक्षित वो उपाय कर रहा है, साधन कर रहा है कि मैं अपने प्राण कैसे बचा सकता हूं, उसकी रक्षा कैसे कर रहा है। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया। और इसके बाद राजा ने गोरख मुनि को गाविजात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार 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 क्षमा करें। उसके बाद राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के लिए चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ नहीं सके। वातो अपि न चले तत्र प्रवेशे विनिवार्यते मक्षभोजिदाय तम राजा तत्रस्थे चकार से स्नान संध्यादिकं कर्म तत्रैव निवर्तिते राजकल्याणि सर्वाणि तस्तस्ते चकरोन निप। मेल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश भी सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित होकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान और संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा शाम के दिन कर गिनते हुए समस्त राजकार्य को संचालित करते थे। इसी बीच कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। शिष्वाच तथा शापम प्राप्तम राज्ञा महात्मना सेदनार्ति द्विजश्रेष्ठे कश्यपे समचिन्तयत् व्रजामि तत्र यत्रस्ते शापो राजा द्विजेन है इति कृत्वा मतिं विप्रे स्वगृहाणि श्रिते पति कश्यपो मन्त्र विद्वान् धनार्ति मुनि सत्त में।
जब उस कश्यप को पता लगा कि राजा परीक्षित को सर्प के द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है, वो कश्यप नाम का ब्राह्मण धन की इच्छा रखता था, उसने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहां रह रहे हैं मैं वहां जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धन की इच्छा वाला वह कश्यप नामक मुनि वो विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रयाम संहितायाम द्वितीय स्कंधे परीक्षिद्राज्ञो गुप्त गृहे वासन वर्णनम नाम नवमो अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तक्षस्तम निपोत्तमाम् शप्तम् ज्ञात्वा गृहातूर्णम् निसृते पुरुषोत्तमे विद्रावण वेषेण तक्षके पथि निर्गते अपश्यक्त कश्यपम् मार्गे रजन्तम् नृपतिम् प्रति तम् पृच्छत् पन्नगोसो ब्राह्मण मन्त्रवादिनम् के भवाम् तरितो याति किञ्च कार्यम् चिकीर्षति। सूचि कहने लगे हे मुनिवृन्द, उसी दिन जिस दिन वो कश्यप नाम का ब्राह्मण निकला, तक्षक नामक नाग भी निपशेष परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र ही निकल पड़ा। वृद्ध रावण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहां जाते हुए उस कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेता ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं और इतनी शीघ्र गति से इतनी तेजी से चलते हुए कहां जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? परीक्षितम् निपशेष्टम् तक्षके प्रदक्षति तत्राहम् तरितो यामि निपम् कर्तुम् अप्यजरम् मन्त्रोऽस्ति मम विप्रीन्द विश्नाश करे किले जीविष्याय हम तम वे जीवित वे अधुना किले। हे मित्र, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हें विषमुक्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक वहां जा रहा हूं। हे विप्रेंद्र, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। जब उस कश्यप ने ऐसा कहा
तो झट से जो तक्षक था उस वृद्ध ब्राह्मण को विष को छोड़ के अपने असली विष में आ गया। देखो मित्र, हमने मित्र कहा है एक दूसरे को, तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। हम दोनों की मंजिल एक है, हम दोनों का लक्ष्य एक ही जगह जाना है, लेकिन प्रयोजन भिन्न भिन्न है। हम सपन गो ब्रह्मोस्तम दक्ष्यामि महीपतिम निरवर्तय शक्तस्वम मेयादष्टम चिकित्सुम। ही ब्राह्मण, मैं ही वही तक्षक नाग हूं और मैं ही जाकर के परीक्षित को काटूंगा। देखो कितना अजब संयोग है कि मैं काटने जा रहा हूं और तुम उसी को बचाने के लिए जा रहे हो। हमारा गंतव्य एक है, मंजिल एक है, लेकिन प्रयोजन भिन्न भिन्न है। मित्र, मेरे कार्ड लेने के बाद आप चिकित्सा में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतः आप घर को लौट जाइए। कश्यप कहता है, हम दष्टं तया सर्प निपम शब्दं द्विजेनवे जीविष्यामि संदेहम काममु मंत्र बलेन वे। ही ब्राह्मण, मैं तो शाप से बंधा हुआ हूं और इसलिए उस राजा को काटने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम क्यों बचाने जा रहे हो? और इस बात जान लो तुम्हारा विष कैसा भी है। कश्यप कहने लगे कि मैं अपने मंत्र बल से उन्हें निस्संदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक कहने लगा, यदि तुम जीवितम यासु मेयादष्टम निपोत्तम मंत्र शक्ति बलम विप्र दर्शयतम ममानग दक्षामेरं चिने दुद्रम विष्टष्टाभिरद्यवे जीविष्ये तया दष्टम दग्धम वापन्न गोत्तम। ही विप्र ही अनग, उस तक्षक ने कहा कि आप मेरे काटे हुए निप शेष परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए कि उसमें कितना प्रभाव है। यदि तुम्हारे मंत्र में बल है तो तुम इसके विष का प्रभाव दूर कर दो। वो कश्यप कहने लगा, हे सर्वश्रेष्ठ, आप इसे काट लें या जलाकर भस्म कर दें तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा, इसको हरा भरा कर दूंगा। अश्रपन्नोविक्षम भस्मासात्कारितम वाच कश्यप भूयो जीवेनम निजोत्तम। नागराज तक्षक ने उसी समय उस वृक्ष में डस लिया और ऐसा भयंकर विष के वो वृक्ष धू धू करके जलने लग पड़ा। उसने कश्यप से कहा, हे देवेश, अब आप इसे पुनः जीवित करके दिखाइए, इसे पुनः हरा भरा करके दिखाइए।
तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के उस संपूर्ण भस्म को उस कश्यप ने एक जगह एकत्रित कर लिया, इकट्ठे कर लिया और कहने लगा, हे महाविष्णु नागराज, पश्चिमंत बलम में अध्याय निग्रोधम पन गुत्तम जीव्याम पश्यते महाविश इत्युक्त्वा जलमानाय कश्यपो मंत्र विद्मे शिशीच भस्म राशिं तम कश्यप कहने लगा, हे महाविष्णु नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए, मैं आपके देखते देखते इस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दूंगा। ऐसा कहकर हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया। सर्पाप सर्प बदंते गच सर्प महाविष्णु मंत्र पढ़कर वो जल जो है उस वृक्ष के ऊपर छिड़क दिया, वो भस्म के ऊपर छिड़क दिया और जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर, पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। उस वृक्ष को जब जीवित देखा तो तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा कि हे विप्र, मैं तो उस मुनि के शाप से बंधा हूं, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपको यदि जो भी कामना हो तो आप मेरे से कहिए, आप क्या चाहते हैं, मैं यही पूरी कर दूंगा। वो कश्यप कहने लगा, वितार्थी नित्यम मत्वा शक्तम पन्नग निश्रिते गृहादहम त्रिपकर्तुम विद्यानिपसतम ही पन्नग, मैं धन का अभिलाषी हूं, निपशेष परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं घर से निकला हुआ हूं। तक्षक कहने लगा, हे विप्र, राजा से जितना धन आप चाहते हैं, जितने धन की अभिलाषा है, उससे अधिक धन मैं आपको अभी दे देता हूं। आप ले लें, जहां हम रहते हैं वहां मणियां होती है, बोलो कितनी चाहे, आप वापिस लौट जाए ताकि मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूजी कहने लगे, तश्रित्वा वचनं तस्य कश्यपे परमार्थवित चिन्त्यामास मनसा किं रोमि पुनः पुनः। श्रुत्वा वचनं तस्य कश्यपे परमार्थवित् चिन्तयामास मनसा किं करोमि पुनः पुनः। धनं गृहीत्वा स्वगृहं प्रयामि यद्यहं पुनः भविष्यति न मे कीर्तिरे लोके लोभ सर्वाश्रया जीवित अर्थ निपशेष्टे कीर्ति चातिला मम धन प्राप्ति च बहुधा भवे पुण्यम च जीविनात। तक्षक की बात सुन करके वो परमार्थ वेता कश्यप जी
मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो धन लोलुप होने के कारण संसार में कहीं भी मेरी कीर्ति नहीं होगी, लेकिन यदि मेरी मंत्र के द्वारा राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी, सर्वत्र मेरा बहुत नाम हो जाएगा, धन प्राप्ति के साथ साथ यश भी मिलेगा और पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रखनीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए ही अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। लक्षणेयम् यशेकामम् दिग्धरम् यशसाविना सर्वस्वं रघुणापूर्वम् दत्तम् विप्राय कीर्ति हरिश्चंद्रेण कर्णेन कीर्त्यर्थं बहुविस्तरं उपेक्षेयं कथं भूपं दहिमानं विषाग्निना। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण ने भी, हरिश्चंद्र ने अपना राज्य स्वयं को पुत्र को पत्नी को सब कुछ दे दिया, दानी कर्ण ने भी केवल कीर्ति के लिए अपने कवच और कुंडल तक दे दिए। अतः विश्व की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की उपेक्षा में कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सब लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रजानाशस्य पापम में भविष्यति मृति निपि अपकीर्ति च लोकेषु धनलोभाद् भविष्यति। राजा की मृत्यु हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन का लोभी होने के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है? इति सचिन्तयम् मनसा ध्यानम् कृत्वा स कश्यपे गतायुषम् चिरिप्तिम् ज्ञातान बुद्धिम् उत्तरे। मन में ऐसा विचार करके वो परम बुद्धिमान कश्यप ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति कई बार आ जाती हो गई कि जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित होते हैं। इसे मैं कुछ नहीं करता, जब अपना विवेक अपनी बुद्धि जवाब दे दे तो थोड़ी देर के लिए एकांत में जाकर अपने इष्ट अपने भगवान अपने सदगुरु का ध्यान करें और उन्हीं से उत्तर मांगे, वो आपको इंगित कर देंगे, वो आपको इशारा दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप उस इशारे को समझना और उसको करना ये आपके हाथ में है। कश्यप ने भी यही किया, ध्यान लगाया और जब ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि उस राजा की परीक्षित की तो आयु ही समाप्त हो चुकी है और तुम चाहकर भी उसको बचा नहीं पाओगे।
आसन्न मृत्युम राजानाम ध्यात्वा ध्यानेन कश्यपे गृहं व्योऽस्य धर्मात्मा धनमादाय तक्षका। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर को वापस चला गया। कश्यप को लौटा कर वह नाग सातवें दिन राजा को डसने की इच्छा से अति शीघ्र हस्तिनापुर की ओर चला गया। शुश्राव नगर शांति प्रसादास्तम परीक्षितम मणिमंत्र औषधि कामम रक्षमाणमतन्द्रितम। नगर में पहुंचकर उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भली भांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा अपरीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। ये जानकर रावण के शाप से भयभीत सर्पराज तक्ष को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगा कि अब किस उपाय से किस साधन से मैं इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे चलूं। पांडवानाम कुली जाते कोपि ने तदिशो भवित तापसस्य गलेन मृते सर्पो निवेशिते। पांडव वंश में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो, ऐसा कुकर्म किया हो, ऐसा निंदित कर्म करके काल चक्र को जानते हुए भी कि त्वाविगर्हतिम कर्म जानन काल गतिम निप रक्षकान भवने किता प्रसादम अभिगम्यते। मृत्युं वञ्चयति राजा वर्तते निराकुले तं कथं दक्षयिष्यामि विप्रवाक्येऽन्योदिते। ऐसा निंदित करने की बाद भी और काल चक्र को जानते हुए भी ये राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके छिप कर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चिंत होकर पड़ा है विप्र की शापानुसार मैं अब इस राजा को कैसे डसूं। ये मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। न जानाति मंदात्मा मर्णमहे निवर्तनम् तीनासो रक्षिकांस्तापे सुधारोरद्यवोदते। मृत्यु को अनिवार्य जान कर भी ये रक्षक की नियुक्ति कर कर और स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रयत्नों के बाद भी उसको टाला नहीं जा सकता। पांडवश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित स्वयं को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा हुआ है। यदि यह चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट होती है, उससे आयु स्थिर हो जाती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की यात्रा कर सकता था, अन्यथा इसे नरक में जाना है।
मला मृत्यु कहीं टालते हैं। एक व्यक्ति को किसी संत ने बता दिया कि फला दिन फला जगह तुम्हारी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति बैठे बैठे सोच रहा कि अब मैं क्या करूं, मृत्यु का दिन आ गया। और वह भीत होकर वो भगवान विष्णु की मंदिर के बाहर प्रकट। भगवान के उस कक्ष में उसी समय मिलने के लिए यमराज अंदर गए और उस व्यक्ति को जब वहां बैठे हुए देखा तो मुस्कुराए। गरुड़ ने यह दृश्य देखा तो उस व्यक्ति से पूछने लगा कि यमराज तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्या कारण है? व्यक्ति कहता है कि मेरी मृत्यु आई है और मुझे संत ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन इस समय इस स्थान पर होने है और मैं इसीलिए यहां बैठा हूं क्योंकि मेरी मृत्यु तो यहां से हजारों किलोमीटर दूर लिखी है। मैं बद्रीनाथ भगवान के मंदिर आ गया कि वो मेरी रक्षा करेंगे। गरुड़ कहता है तू चिंता नहीं कर, मेरी पीठ पर बैठ जा। गरुड़ ने उसे लिया और तेज उड़ान भर के बहुत दूर लाखों किलोमीटर दूर उसको छोड़ के तुरंत वापस आ गया। और जब वो वापस आया तो यमराज भगवान से अपने बात करके बाहर आ रहे और कहा कि पहले तूने मेरी मुस्कुराहट का रहस्य पूछा और उस व्यक्ति को इतने दूर छोड़ के आया है, अब मैं तुझे उसका रहस्य बताता हूं। मेरी यही चिंता थी कि उसकी मृत्यु तो इतनी दूर लिखी है और व्यक्ति यहां बैठा है, किसी भी साधन से वहां पहुंच नहीं सकता है। गरुड़ जी तुम्हारा अतिशय धन्यवाद, तुमने मेरा काम कर दिया क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु तो वहां लिखी हुई थी, वहां भी बहुत प्रबल है। सुनो भरते भावी प्रबल विकल कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधेहात। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से है, अतः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई भी ब्राह्मण इसके पास नहीं है जो यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। इति सजिन्त्य सर्पोऽसौ स्वानागन निकटे स्थितान् कृता तापस विषामतान् प्रायणो सुयंगमान् फलमूलादिकम् रागिनागोत तक्षते स्वयं च कीट रूपेण फल मध्ये ससार है। ऐसा विचार करके तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती शेष नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण करके राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीड़े का रूप धारण करके फल के बीच में छप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार उन तपस्वियों को खड़े देखकर अक्षर ने पूछा आप लोगों की क्या इच्छा है? तब उन्होंने कहा कि हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभदर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अथर्व वेद मंत्रों से आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मणिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज को मंत्राभिषेक करके उन्हें मधुर फल को दे करके लौट जाएंगे। भरतवंशी राजाओं के कुल में सभी भी
द्वार रक्षक नहीं देखे गए हैं, ऐसा कभी नहीं सुना गया है कि तपस्वियों को भी राजा का दर्शन ना मिले, और जहां महाराज परीक्षित वहां विराजमान है वहां तो कभी ऐसा होता नहीं था। वहां हम लोग जाएंगे, उन्हें अपना आशीर्वाद देकर दीर्घ आयुष्य बनाकर आज्ञा लेकर हम लोग जाएंगे। सूजी कहने लगे, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षण ने ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आप लोगों को आज राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा। तेरे आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारे। हे मुनि श्रेष्ठो, विप्रशाप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित किया हुआ था, इसमें कोई संशय नहीं। तब ब्राह्मणों ने उन द्वारपालों से कहा, हम लोगों की ओर से ये फल मूल तथा जल आप रक्षकगण राजा को दे दें और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दें, हमें तो वापस जाना है, हम लौट जाएंगे। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने कहा कि वे फल मूल आदि जो कुछ भी दे रहे हैं उन्हें यहाँ ले आओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें कल उन्हें प्रातः आने के लिए कह दो, साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम करके यह भी कह देना, ते गत्वात् समानाय फल मूलादिकं च यत् रागे समर्पयावासुर बहुवान पुरासरम। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल मूल आदि को लेकर आदर पूर्वक राजा को अर्पित कर दिया। यतेषु तेषु नागेषु विप्रवेशावृतेषु च फलान्यादाय राजासो सचिवानिदम् ब्रवीत्। सृदो वक्ष्यन्त देहि फलानि तानि सर्वशे अद्याम चकमेतद्वै फलम् विप्रार्पितम् महेत। उनमें प्रवेश में आए हुए नाम के चले पलाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, ही सचिव, आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल जो है ये खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने सब फल अपने सिर सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदीर्ण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। तब दृष्ट्वा निपति प्राह सचिवान विस्मितानत अस्मद भेति सविता विषादद्यनमेमहम् अंगीकरोमि तं शापं किं को मादशत्यम्। एवमुक्त्वा श्रीराजेन्द्रो गृहायं सन्निवेशत्। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचित मंत्रियों से कहा, ही सूर्यास्त हो रहे हैं, अतः मुझे विष का भय नहीं है, मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ, ये कीट जो इस फल में से निकला है मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज देव परीक्षित ने उस कीट को उठाकर अपने गले में रख लिया और सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस नाग ने काल राजा को अपने आकार में लपेट लिया और उन्होंने डस लिया। ये देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए, अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे।
भयंकर रूप वाले सर्प को देखकर सभी सज्जगण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, सभी रक्षक चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां बहुत हाहाकार मच गया। तो सर्प के शरीर से बद्ध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया, जिससे उत्तरा परीक्षित कुछ भी बोल पाने में तथा हिलजुल पाने में असमर्थ हो गए। रक्षक के मुख से विषजनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हर कर वह तक्षक नाग आकाश में चला गया। नाशु जीवितम रागे तक्षको गगने गते जगदंतु कुर्वाणम दिदस्तम जनाहि। हाँ, लोगों ने संसार को भस्मात कर देने वाले की सामर्थ्य करने वाले उस तक्षक को देखा। जैवात गत प्राणो राजा दग्ध इव द्रुमै चक्रुषश्च जना सर्वे मितं दृष्ट्वा नराधिपदम्। विराजा परीक्षित हो प्राण ऋण होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर सभी लोग वहां पर विलाप करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। ब्राह्मण का शाप सत्य हुआ और सप्तम दिन ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्र्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे वृक्षिन्मरणम नाम दशमोऽध्याय। बोलो सच्चिदानन्द की।